नंबर फोर क्या है? नंबर फोर है एंटरप्राइज, एंटरप्राइज एंटरप्राइज स्किल्स ऑफ रेफर टू बिजनेस द स्किल्स बिजनेस पर्सन रिक्वायर्ड। ठीक है। द अदर थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द एबिलिटी टू अंडरटेक रिस्क। एनीवेज यू आर हैविंग सम टेक्निकल इश्यूज, दिस इज वन ऑफ द रीजन वी आर रिकॉर्डिंग इट फ्रॉम नाउ ऑन। दिस इज इकोनॉमिक्स O1 क्लास, ओके। एंड हियर फ्रॉम हियर वी आर हैविंग अ रिकॉर्ड सेशन। अच्छा, तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो जस्ट अ रिफ्रेशर, लैंड, बिकॉज वी फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस वी नीड दिस फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड, इट कुड बी इफ इट्स एग्रीकल्चर बिजनेस तो वी नीड लैंड टू फॉर फर्टिलाइजेशंस, ओके। एंड इफ वी नीड अ फैक्ट्री, ओके, सो डेफिनेटली वी नीड अ बिल्डिंग फॉर दैट। और इवन इफ इट्स ऑफिस, सो अगेन इट कवर्स द लैंड। लेबर, इट कुड बी स्किल्ड लेबर और इट कुड बी प्रोफेशनल्स, यू नो। तो दोनों जो है वो लेबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और कैपिटल, जिसमें आपकी कैश भी है, आपकी मशीन्स भी हैं, राइट, इक्विपमेंट्स भी हैं, इवन जो कंप्यूटर्स, एसीज, बिल्डिंग्स, एवरीथिंग कवर अंडर योर कैपिटल। एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर, तो ये जो है सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर रहा होता है। अ बिजनेस पर्सन रिक्वायर्स टू कंबाइन एंड मैनेज सक्सेसफुली, और सबको कंबाइन करके जो है वो बिजनेस करता है। अब फॉर एग्जांपल, जो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के हैं तो माइक्रोसॉफ्ट इज एंटरप्राइज, और बिल गेट्स जो है वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है ना? ओके, दिस। सिमिलरली अगर डेल कंप्यूटर्स देखें तो वो एंटरप्राइज है, और माइकल डेल जो ओनर है वो एंटरप्रेन्योर है। आगे बढ़ते हैं। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड द प्रोडक्शन ऑफ कैन ऑफ कोका कोला आर एज फॉलोज। अब जो कैन ऑफ कोका कोला जो आपको मिलता है, तो उसके पीछे क्या क्या आपके फैक्टर्स हैं? कैपिटल, मशीनरी, टूल्स ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड ट्रक्स टू ट्रांसपोर्ट द ड्रिंक्स, ठीक है। फिर एंटरप्राइज, द स्किल नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस सक्सेसफुली एंड टू मोटिवेट वर्कर्स सो दैट दे वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। लेबर में पीपल टू वर्क ऑन द प्रोडक्शन लाइन, सिर्फ प्रोडक्शन लाइन पे नहीं है, परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड मैनेज द कंपनी, जो मैनेजर्स वगैरह डायरेक्टर्स दे रन द कंपनी। फिर लैंड में द नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू मेक कोका कोला सच एज शुगर, वाटर एंड कैफीन। आई होप कि कोक की एग्जाम्पल से बात समझ में आ गई होगी। जी, यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज वॉट द एडवांटेज ऑफ द बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, क्योंकि दिस इज वॉट हैपनिंग इन द डेली लाइफ, ठीक है। अब हम थोड़ा ब्रॉडली जो है इकोनॉमिक्स की जो डिफरेंट सेक्टर्स देखते हैं, कि जो पूरी इकोनॉमिक्स को तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया है। An economy is divided into three sectors of industry. Primary sector, this contains firms that extract raw materials from the earth. Example, farming, fishing and mining. तो अगर हम देखें तो हम किस में आते हैं? वो आपसे मैं पूछूंगा। Secondary sector, this contains firms that manufacture goods and change raw material into finished products, construct building roads and bridges. And tertiary sector क्या है? This contains firms that provide services to the general public and other firms such as रिटेल शॉप्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, स्कूल, हेयर ड्रेसर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, लॉयर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर जो कि हमारा मेजर एग्रीकल्चर पार्ट है, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी किस में ज्यादा लाइक करती है? प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शरी, विच वन? यस सर। हमारी जो इकोनॉमी है पूरे पाकिस्तान की, देखो हमारी जो है डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड है, यानी यूएस की तरह है, इंग्लैंड की तरह है या बांग्लादेश की तरह है? बांग्लादेश ठीक है, तो इसका मतलब है कि डेवलप, वो लोग डेवलप हैं तो हम लोग क्या है? डेवलपिंग है। हम लोग अभी तक जो है एग्रीकल्चर पे बेस करते हैं, और हमारी अगर आप इंटीरियर चले जाएं, 70% जो हमारी इकोनॉमी है उसी पे होती है कि हम वेजिटेबल फ्रूट्स उगाते हैं और आगे खुद भी खाते हैं, फार्मिंग एक्सपोर्ट भी वगैरह। करते हैं। हमारा जो मैंगो है, आपको पता है कि वो एक्सपोर्ट होता है, ऐसे ही है ना? ठीक है, तो हम मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं, और हम क्या मंगवाते हैं? ऑडीज, BMW, लैपटॉप्स, और ये सारी सेकेंडरी जो गुड्स होती हैं। एनीवेज, तो अभी हम देख रहे थे कि
अभी एक जनरली अगर हम देखें कि तीन सेक्शंस होते हैं पूरी हमारी इकोनॉमी के, जिसमें पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, फिर दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्शरी। थोड़ा सा और आगे हम इसे देखते हैं ताकि बात समझ में आ जाए, और एग्जाम्पल एक दूंगा उससे आपको कंप्लीट चीज समझ में आ जाएगी। प्राइमरी सेक्टर मीन्स नेचुरल रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं तो उसका प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्स क्या होगा? वुड। वुड कहाँ से मिला होगा आपको? फॉरेस्ट से मिलता है, जंगल से मिलता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी क्या होता है कि वो चेयर बनेगी, और चेयर जो है वो आप शॉप से जाके लेते हैं तो वो आपकी आती है टर्शियरी सेक्टर पे, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर होती है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंडरी सेक्टर में आपकी सारे मैन्युफैक्चरिंग के आपकी फैक्ट्रीज जितनी भी हैं, ठीक है, जो कि आपकी चाहे वो टपाल चाय बना रही हो, टोयोटा गाड़ी बना रही हो, सैमसंग फोन बना रहा हो, ठीक है, या जो है सोनी जो है LED बना रहा हो, तो वो ये सारी आपकी सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी में आती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें टर्शरी सेक्टर में, तो बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, हेयर ड्रेसिंग है, हेल्थ केयर है, टूरिज्म है, कैटरिंग, इंश्योरेंस, और सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी आजकल जो बिजनेस जिसमें मिल रहा है और सबसे ज्यादा पैसा है जिसमें, ठीक है, प्रॉफिट है, तो वो आपका टर्शरी सेक्टर है, जिसे हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखें जैसे वाटर प्लांट, वाटर प्लांट मैं और एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्कूल है, बैंक है, फिर आपका जो सेलफोन की जो सर्विस प्रोवाइडर है, यूफोन, वारिस, जैस, ठीक है। वेकेशन पे जाना होता है तो आप जो है एयरलाइंस को के थ्रू या फिर ऑनलाइन जाते हो। अब ये जितना भी ई कॉमर्स है, दराज है या अलीबाबा है, ये क्या है? ये टर्शरी सर्विस सेक्टर में आता है, ऐसे ही है ना। फिर इसी तरह अगर हम देखें कि आपने शाम में खाना खाने जाना है, यू गो टू द रेस्टोरेंट्स, ठीक है, डाइन इन करने जाते हो, तो वो क्या है? वो भी टर्शरी सेक्टर में आता है। फिर आप कहते हैं कि यार वीकेंड पे, यानी मैं पेंडेमिक की बात नहीं कर रहा, आम हालात की बात कर रहा हूँ, फिर आप कहते हैं वीकेंड पे मूवी देखने जानी है, तो आप मूवी, व्हेन यू गो वॉच द मूवी, तो ये क्या है? टर्शरी। एंड ऑफ द मंथ में आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो आप ग्रोसरी करने, तो आप जाते हो इम्तियाज या हाइपर स्टार या चेस पे जाते हो, तो वो अगेन क्या हो गया? टर्शरी सेक्टर। तो इससे हमें आइडिया हुआ कि सबसे ज्यादा जो आपका जो बिजनेस होता है वो टर्शरी सेक्टर पे। एक और छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, अगर हम देखें जो प्राइमरी सेक्टर पे एक्टिविटी क्या होती है कि जो गांव है, देहात है, अब वहाँ जो उधर जो है सारी आपकी फसल उगती है, ठीक है। कॉटन जो है वो क्या है? वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। कॉटन से क्या बनता है? कपड़ा बनता है, ऐसे ही है ना। अब जो कपड़ा है वो कहाँ पे बना? गुल अहमद आइडियाज या निषाद मिल्स वो कपड़ा बनाएगा, और वो बेचेंगे कहाँ पे? वो आइडियाज पे, या फिर अपने जो है, या अगर बनेंजा है तो बनेंजा का जो है आउटलेट होगा, या वो जो है J.Dot का होगा। तो अगर वो कॉटन 300 रुपए की है, तो वो जब कपड़ा बनेगा तो वो 1000 रुपए का बनेगा, और वो जब शर्ट बनेगी या कुर्ता बनेगा तो 5000 का कुर्ता जाएगा, ऐसी है। तब मुझे बताओ सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका हुआ? 300 वाले का, 1000 वाले का, या 5000 वाले का? 5000 वाले का। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देता हूँ, तो इसी तरह अगर हम, जैसे मैंने तुम्हें वो एग्जाम्पल दी थी उसकी जो वुड की, ठीक है, तो वुड जो है मे बी 500 रुपए की आ जाए, लेकिन वो जब उसकी जो, अगर वो टेबल जो बनाएगा या वो चेयर बनाएगा, तो वो मे बी 1000 रुपए की हो या 2000 की कह लें, लेकिन जब उस पर पॉलिशिंग हो जाएगी और वो हैबिट पे रखी होगी, तो हैबिट पे वो 4-5 हज़ार की या 7-8 हज़ार की देगा, ठीक है ना। तो उससे हमें पता लगा कि वैल्यू एडिशन जो हम बिजनेस में कर रहे होते हैं, हम इसको आगे भी देखेंगे, तो आप जो एड वैल्यू कर रहे होते हैं, तो उसको जो है, तो दिस इज हाउ यू गेटिंग फॉर दैट। अब ये तुम्हारी बुक की एग्जांपल आ गई यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले फेलिंग, अब हम यहाँ पे देखें ट्रीज होते हैं, आपको पता है ना, ये जो पेपर है, पेपर किससे बनता है? लकड़ी से, ठीक है ना, लकड़ी से बनता है। फिर ये जाएगा कहाँ? पेपर मिल में, तो ये पहली एक ट्री है, ठीक है। उसके बाद होगा इसका प्रिंटिंग वर्क्स, फिर होगा ट्रांसपोर्टेशन, होगा बाय लॉरी, और फिर बुक्स बीइंग सोल्ड इन अ शॉप, ठीक है। अब मैं आज पूछता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स हैं, सही है। पहला स्टेप जो है ट्रीज का, तो ये क्या है? प्राइमरी या सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सी? दरख्त जो है ये नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि अगर हम ऊपर जाएं तो ये प्राइमरी रिसोर्स कह रहा है, नेचुरल रिसोर्स, ऐसे ही है ना, ठीक है ना। तो ये अगर पहली एक्टिविटी हम देखें, तो ये जो है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, क्यों? क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल यानी जो कि इंसान ने नहीं बनाया हो, बल्कि अल्लाह ताला का
कुदरत की वजह से ये चीज आ गई। पेपर मिल क्या है वो सेकेंडरी में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह प्रिंटिंग वर्क्स भी आपके सेकेंडरी वर्क में आएंगे। दोनों में जो है सेकेंडरी लेवल पे प्रिंटिंग प्रेस होते हैं ना आपके, इसी तरह पेपर मिल होती है, ये कागज बनाएगी, ये बुक छापेगी, तो दोनों आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी में आ गया। ऐसे ही इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा अच्छा फिर क्या है कि अगर हम देखें आगे, जो आपकी बुक्स ट्रांसपोर्टेड बाय लॉरी, बुक्स बीइंग सोल्ड इन अ शॉप, अब जो ट्रांसपोर्टेशन है जितनी भी हो रही है ट्रक के थ्रू या डिलीवरी हो रही है, अब ये कितनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहे हैं हमारे, फेडेक्स है, DHL है, DHL की तो बाइक्स भी हैं, उनकी वैन्स भी हैं, इवन उनके में बोइंग्स भी हैं, और मैंने खुद पर्सनली देखे हैं कि ऊपर जो फ्लाई कर रहे होते हैं उन पर DHL लिखा होता है, तो इतना बड़ा नेटवर्क होता है, आपने भी देखा होगा, ठीक है। तो एनीवेज, तो ये जो है ये आपका किस में आ जाता है, टर्शरी में। बुक्स बीइंग सोल्ड इन अ शॉप, तो जाहिर है कि आप तारिक बुक स्टॉल या बड़े जो जितने भी स्टोर्स हैं, ठीक है, तो वहां पे आप जाते हैं और वो यू आर गोइंग टू बाय इट, तो जाहिर है कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के वो आपको बेचता है। तो दिस इज हाउ द बिजनेस रन चेन ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ बुक। कंसिडर द टेक्स्ट बुक दैट यू आर करंटली यूजिंग, व्हाट इज द चेन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बुक एंड विच ऑफ द सेक्टर डज ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस। द रॉ मटेरियल ऑफ द बुक कम फ्रॉम फॉरेस्ट एंड ट्रीज, द ग्रोइंग एंड कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। The wood is formed into pulp and turned into paper in a paper mill, which is a secondary sector industry. The paper is then used when the book is printed, which is another secondary sector industry. And then the book is transported to shops where it is sold. So both process being tertiary sector industry. ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम थोड़े से और before we move on, हम थोड़े basic और concepts समझ लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे दूसरे concepts वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, प्राइवेट सेक्टर वो जो कि आम लोग जो है बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, जैसे हम जैसे लोग। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है, विच इज रन बाय द गवर्नमेंट। अब PIA आजकल बड़ा मशहूर हुआ है, इज इट अ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर? प्राइवेट। PIA गवर्नमेंट रन करती है या जो है ये प्राइवेट कंपनी है? जैसे चलो एयर ब्लू और PIA की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं डेफिनेशन पर पढ़ लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। प्राइवेट सेक्टर इन एन इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म्स ओन्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या है, अगर हम जाए इम्तियाज, हम ऑलपर्ट्स नजर आएगा जो कि एंग्रो का है, ठीक है। इसी तरह नेस्ले मिल्क है, फिर हम देखेंगे टी में टपाल है, लिप्टन है, या आपके जितने बिस्किट्स हैं लू के, पीक फ्रिंज के, सुपर है, और ये सारी चीजें हैं, चॉकलेट्स हैं, कैडबरी, कोक, पेप्सी, ये क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर का रहा है। अब पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, विच इज रन बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया या PIA है। अब एयर ब्लू इज रन बाय प्राइवेट पीपल, ठीक है, सरीन एयर इज रन बाय प्राइवेट, लेकिन PIA गवर्नमेंट की एयरलाइन, इसलिए उसको कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है कि लॉस में जा रहा है, या वो जाली जो है वो उनको डिग्रियां चल रही हैं, या वो जो है सर्टिफिकेट्स हो रहे हैं, ठीक है ना, मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने देखा ज्यादा करप्शन प्राइवेट में होती है या पब्लिक गवर्नमेंट में होती है? पब्लिक। एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसी तरह देखा जाए तो SSGC सुई गैस का जो बिल आता है, तो वो अगेन ओन बाय द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान रेलवे इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, तो ये किसी प्राइवेट बंदे की है या ये गवर्नमेंट की है, पब्लिक की है? कौन सी? रेलवे, रेलवे, ट्रेन, जो ट्रेन सिस्टम चलता है, ट्रेन जो चलती है। एग्जैक्टली, बात समझ में आ गई। तो वे अब ये जो यूटिलिटीज हैं, जो चार बिल घर पे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या टेलीफोन हो गया या फिर ये कि आपका पानी का हो गया या गैस का, तो मोस्टली पूरी दुनिया में ये गवर्नमेंट ओन्ड होता था। इवन पाकिस्तान में भी पहले जो PTCL था तो वो भी गवर्नमेंट ओन था, और KESC होता था, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, फिर ये बेच दिया, जो चाइनीज कंपनी है उसको बेच दिया ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाए। लेकिन उससे क्या हुआ कि चलो लोड शेडिंग का तो हमें पता लग गया किस टाइम पे जाना है आना है, लेकिन अब देखो कि वो कितनी महंगी हो गई इलेक्ट्रिसिटी, और अभी फिर मसले मसाइल आ गए, क्योंकि गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि लो प्राइस पे सेल करें। यूं समझो कि इसका 30% बिल आता था जो पहले आता था,
यानी अगर मेरा बिल अभी 30,000 आ रहा है, हाँ अब 50% आता यार, नहीं 50% ज्यादा हो गया, और यानी यूं समझो 150% हो गया। यूं समझ लो कि जो मेरा अभी 25,000 का बिल आया है घर का, तो वो पहले 10,000 आता था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की का मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू प्रोवाइड सर्विसेज एट लो प्राइसेस। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन हमने समझ लिया, कंजम्पशन क्या होता है, द यूजिंग अप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई आवर वांट्स इज नोन एज कंजम्पशन। ठीक है, फिर हम गुड्स की चार क्लासिफिकेशन है, अब ये समझ लेते हैं। कंज्यूमर गुड है, कैपिटल गुड है। कंज्यूमर गुड्स आर एनी गुड्स एज कंज्यूमर वांट्स। आप ग्रोसरी स्टोर जाते हो या मेट्रो जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो जो भी आप चीजें ग्रोसरी ले रहे हो, चाहे ब्रेड, डिटर्जेंट, बटर, पेप्सी, कोक, ठीक है, या लेस ले रहे हो, तो ये क्या है? कंज्यूमर गुड्स हैं। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? जिससे हम फर्दर प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो। जैसे कि अगर मैं इम्तियाज जाऊं और वहां पे फ्रायर लेकर आऊं कि मैंने शाम में स्टॉल लगाना है और मैंने चिप्स बेचने हैं, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? कैपिटल गुड। और वो यही फ्रायर अगर मैं घर पे लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगी कंज्यूमर गुड। इससे पता लगा कि हमें यूज पे डिपेंड करता है। अब ये कैपिटल गुड क्यों हो जाएगा? क्योंकि शाम में से मैंने पैसे कमाने हैं। ठीक है, एक और अच्छी एग्जांपल तो बात समझ में आ जाइए। अगर मैं कल्टस निकालूं अपने पर्सनल यूज के लिए कि मैंने जो है स्कूल जाना है और आना है पढ़ाने के लिए, तो ये मेरी कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर इसी को मैं ऊबर या करीम पे लगा दूं तो ये क्या हो जाएगी? कैपिटल गुड। बात समझ में आ गई? यस सर। या कोई और एग्जाम्पल दूं? नहीं नहीं, हाँ हाँ जी। ठीक है, पब्लिक गुड्स क्या है? आर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और ये आपकी जो स्ट्रीट लाइट वगैरह और ये जितनी भी चीजें होती हैं, रोड्स वगैरह और ये जैसे, तो ये भी पब्लिक गुड्स। मेंटेनेंस मेंटेनेंस एक्सपेंस के तौर पे होता है, यही कर रहे होते हैं। लेकिन जो स्ट्रीट लाइट और खंबे लगे हुए होते हैं सारे जैसे, और आप पार्क हैं, पार्क इज एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड की हर कोई बेनिफिट उससे ले सकता है। ठीक है ना, आप तो सीबीयू पे जाते हैं तो वो जो जो बेंचेस वगैरह लगी होती है वो पब्लिक गुड्स हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं या लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, या एयरपोर्ट है, तो अगेन एयरपोर्ट इज अ पब्लिक गुड। ठीक है, मेरिट गुड्स आर द गुड्स दैट द गवर्नमेंट प्रोड्यूस फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। तो स्पेशली जो टिपिकली स्पीकिंग हम पब्लिक गुड में से और निकाल लें तो मेरिट गुड्स होंगी कि जो बेनिफिट है लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया स्ट्रीट लाइट्स हैं, या अगर हम माड़ी पे चले जाएं तो वहां पे जो है वो हमें जो टावर नजर आएगा, लाइट टावर होगा, तो वो जो लाइट टावर है बेनिफिट है दूसरों के, ताकि उससे जो है जब शिप्स आ रही हैं तो उनको नजर आ रहा हो कि भाई हाँ ये लाइट टावर है, और इस तरह। ठीक है ना, तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जो जिससे लोग, और फिर अगर पीपल वुड लाइक टू एंजॉय तो कि शाम में जो है पार्क वगैरह चले जाएं, तो वो जो है आपकी मेरिट गुड्स में आ जाएगा। अच्छा, स्पेशलाइजेशन अगर हम देखें, अ सोशल फिनोमिना ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ईच कॉन्सेंट्रेटिंग देयर एफर्ट्स ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ टास्क टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। मुश्किल इंग्लिश लिखी है, इसको अगर हम आसानी से देखें, स्पेशलाइजेशन इसका मतलब है कि व्हेन द लेबर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड। ठीक है, अगर लेबर डिवाइड हो जाए तो वो स्पेशलाइज हो जाती है। जैसे कि एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एक जनरल फिजिशियन होता है, आप जाएं उसके पास, आपको बुखार हो रहा है तब भी उसके पास जाएंगे, पाँव में दर्द हो रहा है तब भी जाएंगे, लेकिन जब आपके आंख में दर्द हो रहा हो या आई साइड वीक हो जाए तो आप क्या जाते हैं? आई स्पेशलिस्ट के पास। ऐसी है, दांतों में दर्द होता है तो आप डेंटिस्ट। तो ये आपकी स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन किसी किससे आती है? कि जब हम एक सेलेक्टिव काम कर रहे हो। अब जैसे मैं स्पेशलाइज हूँ बिजनेस और इकोनॉमिक्स का, इसका मतलब है कि मैं इंग्लिश या बायो नहीं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मेरी स्पेशलिटी नहीं है। इसी तरह मैकेनिक, गाड़ी का मैकेनिक अलग होगा, बाइक का अलग होगा, जनरेटर का अलग होगा। क्यों? क्योंकि लोग उसके पास इसीलिए आते हैं कि उसका हाथ उस पर सेट है। अब मेरे जनरेटर कल मुझे सर्विस करानी थी तो मैंने खास तौर पे भाद्रपद से बंदा बुलाया, तो क्योंकि मुझे पता है वो स्पेशलाइज है, साल में एक बार आता है, लेकिन आधा घंटा लगाएगा, पूरे साल की सर्विस ऐसी जबरदस्त करके चले जाएगा क्योंकि वो स्पेशलाइज है उसमें। बात समझ में आ रही है? अब हम एक्सपीरियंस है जी, एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस भी है और एक्सपर्टीज भी है, दो चीजें अलग अलग होती हैं। देखो एक्सपर्टीज, बहुत से लोग एक्सपीरियंस होते हैं लेकिन वो बड़ा स्लो और ये काम कर रहे हैं, बहुत से लोग ये दूर दूर से आ रहे होते हैं उसके पास। क्यों? वो चीता होता है, कहते हैं ना वो, यार ये चीता बनता है। ठीक है ना, उसकी एक्सपर्टीज उसमें होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जैसे बाय इंडस्ट्री, बाय फर्म्स, बाय वर्कर्स, बाय रीजन, बाय इंटरनेशनल, वन बाय वन समझ लेते हैं।
अब टाइप ऑफ स्पेशलाइज बाय इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री हो गई कि जैसे पाकिस्तान जो है आपको पता है हुगो बॉस नाम सुना है आपने? अच्छा हुगो बॉस जो है बहुत ही बड़ी ब्रांड है और लग्जरी ब्रांड है, जैसे आपकी नाइकी एडिडास है इसी तरह स्पोर्ट्स हुगो बॉस है। तो पाकिस्तान को पहला ऑर्डर मिला है उसका, ठीक है। तो पाकिस्तान की जीन्स डेनिम जीन्स अभी भी पूरी दुनिया में मशहूर है, तो कॉटन इंडस्ट्री या डेनिम जीन्स जो है हमारी स्पेशलिटी हो गई, ठीक है। फिर आपने शायद सुना हो कि हमारी जो स्पोर्ट्स हैं वो जैसे स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं, फुटबॉल हो गई, ये हमारे बैट हैं, तो वो हमारी क्या स्पेशलिटी होगी। इसी तरह सर्जिकल पूरी दुनिया में हमारे जो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी सियालकोट से बन के आगे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरह बायोफॉर्म्स एग्जांपल स्पिनिंग है, या बायोफॉर्म्स में भी आईटी फॉर्म्स वगैरह, इंडिया जो है सॉफ्टवेयर में नंबर वन है क्योंकि उन्होंने काफी काम भी किया हुआ है। तो वो जो है वो फॉर्म्स हो गई कि आईटी फॉर्म्स कहलाती हैं, जो सर्विसेज वगैरह में यूजली हम उनको फॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ये कॉल सेंटर्स हो गए, ठीक है। फिर बाय वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ डिवीजन एग्जांपल हेड ऑफ प्रोडक्शन है, या अब वर्कर स्किल्ड भी अनस्किल्ड भी होते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, अब उनका जो है बहुत उसमें भी उनकी जो है डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो गई। अब जैसे कि ट्रक का लाइसेंस भी अलग होता है, ट्रक के ड्राइवर भी अलग होते हैं, गाड़ी के अलग ड्राइवर होते हैं, उनका लाइसेंस भी अलग होता है, LTE STV करके, ठीक है ना। तो हर किसी की अलग क्लासिफिकेशन होती है। अब जैसे पायलट्स वगैरह का आजकल बड़ा इशू है, तो लाइट वेट प्लेन अलग पायलट उड़ाते हैं, और ये जो हैवी प्लेन्स हैं बोइंग्स हैं इनकी अलग पायलट्स होते हैं, इनका लाइसेंस भी अलग होता है, इनके एग्जाम्स भी अलग होते हैं, और इनको एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स पूरे करने होते हैं, और इसके बाद दे कुड फ्लाई एनी ऑफ द बिग प्लेन एंड ऑल, ठीक है। फिर बाय रीजन एग्जाम्पल ये सियालकोट की एग्जाम्पल आ गई। बाय इंटरनेशनल एग्जाम्पल ऑयल इन मिडिल ईस्ट, अब ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट जो है सऊदी अरेबिया या जो है आपका UAE वो बड़ा मशहूर है, पूरी दुनिया में ऑयल उनका सप्लाई होता है, ठीक है। हर चीज के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज क्या है कि मोर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द स्पीड एंड स्किल। अब बकरीद आ रही है, तो इसमें क्या है कि जो कसाई जिसका हाथ सेट होता है वो अपनी टीम लेकर आता है, तो वो आधे पौन घंटे में बड़ा जानवर भी गिरा देता है, ऐसे ही है ना, एक घंटे में फारिग कर देगा, चार पांच बंदे आएंगे गिराएंगे काटेंगे चलो मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसी है, कोई नाड़ी आ जाएगा तो वो क्या है वो बहुत ही स्लो करेगा, वो स्लो भी करेगा और जानवर खराब कर देगा। एग्जैक्टली बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये होता है कि आपकी स्किल्स वगैरह और स्पीड दैट रियली काउंट्स ऑन, तो उसमें उनकी स्पीड भी बड़ी होती है, उनकी डिवीजन ऑफ लेबर जो खाल उतारने वाले वो खाली उतारेगा, जिसने बोटियां बनानी होगी वो बोटियां बनाएगा, ठीक है। और जिसका काम है कि वो भाई दूसरा जो है वो और पैकिंग वगैरह कर रहा है वो पैकिंग करेगा। तो हर कोई जब अपनी जॉब कर रहा होता है, और इसी तरह देखो कि एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है हमारी, जब हम फूड कोर्ट्स, अभी चार पांच महीने हो गए ना हम तो फूड कोर्ट भी गए, टाइम हो गया भूल भी गए कैसा होता था, हाँ ठीक है। तो उसमें देखो कि KFC है या मैकडोनल्ड है, बहुत छोटा सा एरिया होता है, लाइन 50 बंदा खड़ा हुआ होता है, जो बड़ी बिजी जगह है, हैप्पी स्टार हो गया या फिर आपका जो है वो लकी वन हो गया, ठीक है ना, कितना रश होता है। लेकिन वो किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं कि देखो कि कितनी स्पेशलाइजेशन है, जो कुक है तो वो अंदर बर्गर बना रहा होता है, ठीक है, जो कैशियर है वो ऑर्डर ले रहा होता है, लेफ्ट साइड पे जो डिलीवरी वाले हैं वो डिलीवरी कर रहे होते हैं, एक लाइन में पेमेंट करके हम लेफ्ट पे आ जाते हैं, और वो ये नहीं होता कि कभी एक दूसरे में मिंगल अप हो जाएं या वो कंफ्यूज हो जाएं, स्क्रीन पे टाइम आ रहा होता है, फौरन ही आपको डिलीवर करते हैं। कितना ज्यादा स्पेशलाइजेशन के साथ कितनी कम जगह पे जो है आपका परफेक्ट काम हो रहा है, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। फुल यूज ऑफ एवरीवन्स कैपेबिलिटीज, टाइम इज सेफ, टाइम बच जाएगा, अलाउ मशीनरी टू बी यूज, ज्यादातर स्पेशलाइजेशन में आपकी मशीन यूज होती है, मोर वेल्थ इज क्रिएटेड, देयरफॉर इम्प्रूविंग द पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, वर्कर मे बिकम बोरिंग, एक ही काम करते करते हुए, स्पेशली अगर हम प्रोडक्शन लाइन पे देखें तो वर्कर जो है ना वो बड़ा बोर हो जाता है, जैसे अगर एक ही काम कर रहे हैं उसमें जो है क्या होता है कि वर्कर जो है वो बार बार रिपीटेटिव काम हो रहा होता है, ठीक है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ कि कुछ इस प्रोडक्शन लाइन में डिसएडवांटेजेस है, अब जो प्रोडक्शन लाइन है
अब जिनका जो काम है तो वो क्या है कि वो इसी काम को करते रहेंगे सारा दिन सारी रात, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अब ये जो बेचारा ये पैकिंग कर रहा है, ये सारा दिन सारा हफ्ता सारा साल पैकिंग ही करता रहेगा, ये नींद में भी पैकिंग करता रहेगा, ठीक है। इससे पहले ये देखो इनका पैकिंग का काम है, इससे पहले जो है वो फिर ये देखो बन वन बना रहे हैं, और आगे जाके जो बॉक्सेस का काम हो रहा होगा। तो इसी तरह जो हर किसी की जो जॉब है, अब वो इसी तरह प्रोडक्शन लाइन जो गाड़ियों की होती है ऑटोमेटेड, उसमें भी इसी तरह इनकी जॉब्स एक ही होती हैं। तो दिस वन ऑफ द रीजन बीइंग ह्यूमन, हमारा नेचर क्या होता है कि हमें वैरायटी चाहिए होती है। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है हम आगे पढ़ेंगे, वो क्या होता है कि आपका रोटेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि आप रोटेट करते रहें जॉब्स को ना, ठीक है। उनको जैसे ऐसी एग्जांपल कि सर हमने उसमें देखी थी कोक की, उसमें फैक्ट्री में एग्जैक्टली कोक फैक्ट्री में, क्या तुमने कहाँ पे देखी थी, खुद गए थे उसमें कोक हम तो में? पहले स्कूल में वो वहां विजिट कराने लेके गए थे। अच्छा, ठीक है। तो वो हाँ, मैं आगे हमारे आ रहे हैं कि कोक, ये इस तरह की एग्जांपल सामने दी हुई है ना, कि ये देखो ये भी आपकी प्रोडक्शन वगैरह का ही मेरे ख्याल में कि वन ऑफ द एग्जांपल है, कि जिसमें और ये फिलिंग हो रही है एमटीए। एनीवेज कि हम वीडियोस वगैरह भी देखेंगे कि प्रोडक्शन लाइंस कैसी होती हैं, किस तरह का आपका काम हो रहा होता है एंड सो ऑन। तो ऑटोमेशन वगैरह का काम हो रहा होता है, ठीक है। तो वो क्लिप्स वगैरह में कुछ, बल्कि अगर ये कि 2-4 मिनट की वीडियो भी रन कर दूंगा, सो दैट यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन एंड ऑल, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें फिर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, बल्कि अगर इससे पहले मैं तुम्हें एक वीडियो दिखा दूं ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए, ठीक है, और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाए, ठीक है, कि प्रोडक्शन लाइंस में कैसे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को स्पेशली जो लड़के होते हैं उनको इंटरेस्ट रहता है कि भाई गाड़ियों की जो प्रोडक्शन लाइन किस तरह की होती है। गाड़ियों की प्रोडक्शन भी मैंने सिर्फ टीवी पे ही देखी है, फैक्ट्री वगैरह क्या हुआ? HBO पे आता है एक शो, उसमें वो बकायदा वो दिखाते हैं अच्छा, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन लाइन वगैरह का के बताते हैं, ठीक है। और बारे अगर में। ये कि रिपीटेशंस और उसमें देखना है आपने कि तो वो जो है आप डिफरेंट उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी देख सकते हो, उसमें डिफरेंट पैकेजिंग में भी कर सकते हो, बट ये आ गई है इसमें। सर स्क्रीन शेयर वो नहीं होती मैं कर रहा शो। हूँ, अच्छा। अब ये कि इवन बैंक्स में भी ये किया जाता है कि आपकी जो है 2 या 3 साल में जो है आप प्रमोशन होते रोटेशन करा दी जाती है, दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और दिस वन ऑफ द रीजन आई एम टीचिंग 2 सब्जेक्ट्स एज वेल, कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ा के बोर हो जाऊँ तो फिर ये होता है कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आप देखिएगा। ठीक है, ये परफेक्ट एग्जांपल है ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज की, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में क्या है कि आपकी एग्रीकल्चर होता है, और सेकेंडरी सेक्टर की आज जो हम देख रहे हैं तो इसमें आपकी क्या है, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की हो रही है होटल स्टाइल। जी, मॉडर्न स्टाइल में, एग्जैक्टली ऑटोमेशन में काम हो रहा है। इवन हमारे पास भी मल्टी मिलियन प्लांट लगे हुए हैं जो पाकिस्तान में पेप्सी और कोक के हैं।
सर हैंग बहुत हो रही है वीडियो। अच्छा वीडियो हैंग हो रही है आपके एंड से हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो है मैं मेरा जो सिस्टम है काफ़ी एडवांस लगा हुआ है तो चले मैं इसको अभी हैंग हो रही है आपकी फिर हो रही है अब सही है या इसको बंद कर दूं? वैसे स्लो मोशन में नजर आ रहा है वैसे। अच्छा स्लो मोशन में बॉटल्स बन रही क्योंकि बॉटल्स भी इनकी बन रही थी पहले देखा था प्लास्टिक था उसके बाद इनकी बॉटल्स बनी ठीक है फिर बाद में अब क्या है कि इनकी फिलिंग्स होगी उस फिलिंग से पहले तो इनकी लेबलिंग होगी क्योंकि कोक का जो लेबल लगना होगा यहाँ पे स्टिकर जी एग्जैक्टली वरना तो अगर कोक वाला बगैर अगर लेबल नहीं कर रहा तो कोई भी कंपनी है जो उसको आगे जो है अपना नाम करके बेच सकती है तो ब्रांडिंग जिसको कहते हैं हमारा जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है दिस व्हाट वी कॉल ब्रांडिंग यहाँ पे फिलिंग हो रही है इनकी और फिलिंग के बल्कि फिलिंग हो भी गई है थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं देख लेते हैं कैप लग रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे जो है पहले अब फिलिंग होगी और उसके बाद फिर कैप लगेंगे तो डिफरेंट प्रोसेस है यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट है कि जो है फिलिंग के साथ ही फॉरन कैप्स भी लगते जा रहे हैं ठीक है और देर इज हार्डली एनी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है ठीक है तो थैंक्स टू योर टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से जो है कि थाउजेंड्स ऑफ द बॉटल्स जो है वो डेली बन रही है ये स्टैटिस्टिक्स देख लें 38,000 बॉटल्स जो है इनकी अब वो 38,000 बॉटल जो है एक दिन में तैयार हो रही हैं और आगे अभी कितनी होनी है क्या 24/7 ये चल सकता है प्लांट जो है ठीक है अब ये देख लेना यहीं पे 20 करोड़ बंदा मौजूद है ऐसी है ना तो 20 करोड़ जो बंदा है तो जाहिर है कि अगर गर्मियों में तो अगर 10 करोड़ ने भी पीना है तो कितनी प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी इनको बहुत सारी सही है ना तो इस तरह जो है वो स्पेशली ये हो गई बिस्किट्स हो गए तो इसके लिए बड़े हाई टेक प्लांट्स चाहिए तेजी से अच्छा अभी तक कोई आपको लेबर नजर आई सर मशीनरी ओनली मशीनरी नहीं हो रही ठीक है ना अच्छा अब इसमें जो है अगर हम देखें ये तो विदाउट वर्कर्स था अब विद वर्कर के साथ अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ फिर कर दूंगा वर्किंग के बारे में सर मुझे भी पता है थोड़ी बहुत फैक्ट्री वर्किंग के बारे में प्लांट वर्किंग के बारे में अभी मेरे भाई का भी इसी टाइप का ही बिजनेस चल रहा है ना अच्छा 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 उनका भी आरओ प्लांट है तो उसमें भी यही सिस्टम होता है अच्छा 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 आरओ प्लांट है ओके तो वो वहाँ पे जो है वो फिर वर्कर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिसमें वर्कर्स भी होते हैं जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें जूस की फैक्ट्री में होंगे शायद हाँ नहीं यहाँ पे भी देख लें तो ये आप मुझे बताएं कि ये कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है आपकी सर ये मुझे कार लग रही है हाँ एग्जैक्टली ठीक है तो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे आपको वर्कर्स नजर आएंगे क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ये देखिए यहाँ पे रोबोट्स हैं ठीक है सारा ये ज़्यादातर काम रोबोट्स कर रहे हैं लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको वर्कर्स की जरूरत भी पड़ेगी ठीक
ठीक है, अब मैं जॉब्स आइडेंटिफाई करता हूँ कि कहाँ पे जो है वो दे कुड गेट बोर्ड और फिर वहाँ पे जो है काम करना। अब ये बंदा जो है इसका क्या काम है, ये चेक कर रहा है कि डोर्स वगैरह के किनारे वगैरह चेक करना, ऐसी है ना। अब जो इनका जो काम है कि सारा दिन सारा महीना सारा हफ्ता सारा साल जो है दे आर गोइंग टू डू द सेम जॉब। ओके, तो फिर क्या होता है कि रोटेशन होता है कि इनको आगे दूसरे काम पे लगाते हैं। अब ये देखें कितनी जबरदस्त जो है ये पेंट डिपार्टमेंट कितना जबरदस्त है, ऑटोमेटेड काम हो रहा है, ऐसे ही है। ठीक है, अल्लाह करे कि हमारे यहाँ भी सारा ऐसी ऑटोमेटेड काम हो, तो उससे क्या है कि आपकी जो है प्रोडक्शन आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना, बजाय ये कि हम खेती बाड़ी करें और ये हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आगे करें। कोरिया ने 1959 में हमसे इंडिपेंडेंस लिए, कितना आगे बढ़ गया। उसकी किया देखें, उसकी होंडाई देखें, कितनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ। अब इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी कोई हो सकती है, देखा। ठीक है ना, अब लेकिन यहाँ भी बंदा चाहिए जो एंड में जाके चेक करेगा भाई ये मशीनों ने भी सही काम किया है कि नहीं किया है। तो सारा दिन सारा महीना सारा साल इसकी यही जॉब है। अब कल को ये बोर होता है, कहता है यार मुझे ट्रांसफर करो मैं थक गया हूँ। ठीक है, तो फिर ये आगे जाएगी तो इसको यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो कि आप रबिंग पॉलिश करो, ये पॉलिशिंग हो रही है। ठीक है ना, और ये बंदा भी बोर हो सकता है तो इसको कहेंगे भाई आगे जो है ये तो इसके कौन सा मॉडल लग रहा है, ये आपको कौन सी गाड़ी लग रही है? सर ये होंडा लग रही सर, शेप होंडा। चले आगे देखें, जब कंप्लीट हो जाएगी शेप तो क्लोज टू द होंडा है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको फॉरवर्ड करते हैं। बैक से भी हाँ ये होंडा ही है सर। ठीक है, ये सारे इसके मैकेनिकल पार्ट्स इंजन और ये वो हो गए हमारे जंप वगैरह, ये अगर आप देखें एक्सेलरेशन। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे भी बंदे चाहिए, वर्कर्स चाहिए जो कि इसको जो है देखें लिफ्ट कर सकें, और इसको मशीनों का भी काम है ना, लेकिन वर्कर्स की ह्यूमन यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर काम नहीं होगा, क्योंकि इंटीरियर हो गया या ये जो है इस तरह का जो काम है जो कि मशीन्स नहीं कर सकती, जिसमें सिलिकॉन वगैरह लगा रहे हैं तो वहाँ पे हेल्प चाहिए। ठीक है, लेकिन दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। ठीक है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज जो कि अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर वॉन्ट्स एंड नीड्स। ठीक है, इसके लिए मार्केट रिसर्च की जाती है, देखा जाता है और अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज में लाके ताकि जो है मेक श्योर करें कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेडी। और ये आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये होंडा सिविक का जो है जो सेडान है उसका जो ये प्लांट है जो काम में आता है। ठीक है, पाकिस्तानी लग रहे हैं ये? नो सर, ये तो चीनी है। चीनी लग रहे हैं। तो दे ये दिस इज वन द एग्जांपल दैट वी आर लुकिंग इनटू। ठीक है, अब इसका काम क्या है सर? बम्पर्स का ही काम है, बेचारी सारा साल बम्पर ही लगाती रहेगी। ठीक है, जाहिर है शी कुड गेट बोर्ड, तो उसको क्या है रोटेशन पे इसको जो है मूव कर देंगे कि जहाँ पे दूसरी जगह पे ये काम करें और वो फिर जो है इसको मूव ऑन करें। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी डिफेक्ट्स आते हैं, तो अगर इसी तरह काम होता हो तो डिफेक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि अभी आप 0 मीटर गाड़ी भी ले रहे हो तो कभी सीट हिल रही होती है, कभी जो है वो आपका जो है बैटरी लाइट ऑन हो जाती है, इंजन मसला हो जाता है, कैमरा ख़राब हो जाता है। एग्जैक्टली, तो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे लोग जो इतने सिंसियर या इतने हार्ड वर्किंग नहीं होते ना कि वो इस तरह काम करें और वो उसको देखें। ठीक है, तो इसको प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे, सेकेंडरी या टर्शियरी, कौन सी एक्टिविटी रहेगी? प्राइमरी। प्राइमरी है, तो प्राइमरी तो नेचुरल रिसोर्सेज होती है। क्या हम क्या बोला था आपने, ट्रेजरी बोला था ना, सेकेंडरी। जैसे स्कूल है, स्कूल में पहले प्राइमरी में जाते हो सेकेंडरी में जाते हो? पहले सेकेंडरी में। पहले पहले क्या क्लास 6 में चले जाते हो फॉरन, या 1-2 में जाते हो? 1-2 में जाते हो। क्लास 1 में जाते हो ना, तो क्लास 1 किस में आती है, प्राइमरी में सेकेंडरी में? प्राइमरी में आती है। इस तरह याद रखो, भूलोगे नहीं। ठीक है, फिर क्लास 6 से सेकेंडरी में आते हो, फिर ओ लेवल में आ जाते हो, ऐसी है ना। बस तो प्रोडक्ट्स का भी ऐसी है कि आपकी प्राइमरी लेवल है, फिर उसके बाद आपका सेकेंडरी लेवल है, यहाँ पे गुड्स बनती हैं और फिर ये कहाँ पे जाती हैं, शोरूम पे जाती हैं। तो शोरूम क्या होगा आपका? शोरूम आपका टर्शरी लेवल पे आ जाएगा। ठीक है ना, टर्शरी पे हो जाएगा। अच्छा, अब इसको इसकी एंड प्रोडक्ट देख लेते हैं, फिर हम रैप अप करते हैं इसको। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट जो है सिविक आपकी रेडी हो गई। ठीक है, टायर्स वायर्स लग रहे हैं,
दिल तो चाह रहा होगा ऐसी फैक्ट्री पे काम करने के, यार मजा आता है। हाँ गाड़ी आनी है ये तो वो है सिविक और वो, हाँ जी सिविक है, बिल्कुल सिविक है ये, ठीक है। और अब इसको जो है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो चेक करेगा, ताकि जो है वो मेक श्योर कर लेंगे कस्टमर के पास जो है ये गाड़ी जो है सही तरह, जो कोई इसमें डिफेक्ट ना हो, पावर विंडोज में ना हो, पावर स्टीयरिंग में ना हो, जैसे वही बात की कैमरा, फ्रंट कैमरा इसका या रेयर कैमरा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, सनरूफ में मसला ना हो, सीट्स वगैरह एंड सो ऑन, तो सारी चीज़ें चेक करके दे वी आर मेक श्योर के इट्स गोइंग टू रन। और फिर फैक्ट्री फॉल्ट्स भी आ जाते हैं, इवन BMW का जो मॉडल है उसने फैक्ट्री रिकॉल किए तकरीबन कितनी मिलियंस ऑफ द कार जो है रिकॉल की, कभी एसी में मसला ब्रेक में आ जाता है, तो वो कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब भी नए नए मॉडल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो होता है उसमें, ठीक है ना, उसका एक्सटेंड किया जाता है पहले। एग्जैक्टली एक्सीडेंट करके पहले तो सेफ्टी इशू देखे जाते हैं कि भाई आपका जो है इसमें जो है अगर एयर बैग है वो सही निकल रहा है कि नहीं, और उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि कहीं हेड इंजरी तो नहीं हो रही या कोई जर्क तो नहीं आ रहा, तो वो बहुत सारी चीज़ें करके बिल्कुल इसमें देखता रहे। तो ठीक है यहाँ पे हम इसको रोकते हैं, तो हम कहाँ पे थे, हम जस्ट रैप अप करते हैं इसको बिफोर वी मूव ऑन। हमने स्पेशलाइजेशन में देखा कि जिसके आपके एडवांटेजेस भी होते हैं डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है, और डिसएडवांटेज के जिस पे बात हो रही थी कि वर्क में बिकम बोरिंग है, एलिनेशन बिकॉज नॉट एवरीवन सीज द एंड प्रोडक्ट। अब जो बीच में काम कर रहा है तो वो एंड प्रोडक्ट नहीं देखेगा, तो एलिनेशन है ना कि बस वो बेचारा वो पॉलिश ही करता रहेगा, डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, जाहिर है कि अगर बीच में एक बंदा गायब हो गया पॉलिश वाला तो भाई आगे कैसे जाएगी प्रोडक्ट, ठीक है, तो बैकअप में आपको बंदा चाहिए। ऑल प्रोडक्ट्स बिकम स्टैंडर्डाइज एंड कैन नॉट प्लीज एवरीवन, स्टैंडर्ड टाइप की प्रोडक्ट हैं उसमें वेरिएशन नहीं आ रहा होता कि भाई आप जो है कुछ उसमें स्पेशल एडिशन निकाल दें, कुछ चेंजेस कर दें, लाइटें बदल दें, ठीक है, तो बहुत सारी कस्टमाइज प्रोडक्ट होती हैं तो वो उसमें आप वेरिएशन लेकर आते हो, ठीक है। तो आई होप इट वॉज अ इंटरेस्टिंग सेशन, मजा आया, ठीक है, तो वी एंड इट हियर, मेक श्योर यू डू द रिवीजन एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, और मेक श्योर बी ऑन टाइम, अपना ख्याल रखिएगा, फिर ये के नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।